हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर अनदर वीडियो। दोस्तों, मान लो एक व्यक्ति है जो हार्ट का पेशेंट है, अगर उसे आपने एक ऐसी खबर सुनाई जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई, तो यह क्या अपराध होगा? दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ ज़बरदस्त सवाल और उनके जवाब बताएंगे जो आपके दिमाग की बत्ती जला देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक ऐसा वीडियो जिसमें आपको एजुकेशन के साथ साथ कुछ नया सीखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिविल जज का फाइनल इंटरव्यू देने गए एक उम्मीदवार से पूछा, मान लो आपका एक दोस्त है जिसका पलीहा बढ़ा हुआ है, यानी तिल्ली बढ़ी हुई है, अगर उसको किसी ने थोड़ी सी चोट पहुँचाई तो वह मर जाएगा। इस बीमारी के बारे में आप जानते हैं, इसके बावजूद आपने उसे मुक्का मारा और वह मर गया, यह अपराध कौन सी श्रेणी में आएगा? उम्मीदवार ने कहा, सर, धारा 302 के तहत यह हत्या का मामला है, जिसमें 302 के तहत मुझे हत्या की जुर्म में सजा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्मीदवार से पूछा, मान लो एक चोर एक घर में लूट करने जाता है, यानी चोरी करने जाता है, जहां पर उसका किसी को जान से मारने का मकसद नहीं है, लेकिन चोरी को कामयाब करने के लिए वह घर में आग लगा देता है, जिसकी वजह से घर के अंदर चार जन जलकर मर जाते हैं, यह कौन सा अपराध है? उम्मीदवार ने कहा, सर, चोरी का अपराध IPC सेक्शन 379 के तहत उसको कठोर कारावास की सजा होगी, और इसके साथ ही उसने चाहे अनजाने में हत्या की हो, उसके लिए भी उसे अलग से इंडियन पिनल कोड के तहत कठोर कारावास की सजा सुनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्मीदवार से पूछा, आप बनारस में रहे हैं तो ये बताइए, बहुत से लोग बनारस घूमने आते हैं, वे ज़्यादातर कौन सी जगह देखना पसंद करते हैं? उम्मीदवार ने कहा, सर, माना जाता है बनारस भगवान शिव जी के त्रिशूल पर बसा एक शहर है, यहाँ पर बहुत से धार्मिक स्थल मंदिर हैं, जैसे संकट मोचन मंदिर, ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ मंदिर, तुलसी पारस मंदिर आदि, यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं। फ्रेंड्स, आपके शहर में ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर लोग दूर दूर से घूमने आते हैं, कमेंट में जरूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल जज का फाइनल इंटरव्यू देने गए उम्मीदवार से बोर्ड मेंबर ने कहा, मान लो आपका एक दोस्त है जो हार्ट का पेशेंट है, अगर उसे किसी ने कोई शॉकिंग खबर दी तो वह मर जाएगा। ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति उसे एक शॉकिंग खबर देता है जिसकी वजह से उसे दिल का दौरा पड़ता है और वह तुरंत मर जाता है, क्या यह अपराध है? उम्मीदवार ने कहा, सर, अगर उस व्यक्ति को मरने वाले की बीमारी के बारे में पहले से नहीं पता था तो वह एक्ट 93 के तहत बच जाएगा, यह उसका अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि वह व्यक्ति उसकी बीमारी के बारे में पहले से नहीं जानता था। लेकिन अगर वह उसकी बीमारी के बारे में पहले से जानता था और इसके बावजूद उसने मरने वाले व्यक्ति को यह शॉकिंग खबर सुनाई जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई, तो यह उसका अपराध माना जाएगा, जिसकी वजह से उसको जेल हो सकती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।